सब लोग जानते हो, मैं फाइलम कॉर्डेटा का सीरीज चला रहा हूँ। फाइलम कॉर्डेटा की जो सीरीज है हमारी वो चल रही है। फाइलम कॉर्डेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो टीजीटी के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में और आपके नीट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जितने भी ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप उसको वन बाय वन जनरल करेक्टर देखते रहिएगा, जब जनरल करेक्टर देखेगा उसमें मैं भी क्वेश्चन को बताता हूँ कि इसमें कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं, और इसकी मैं क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेके आऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन इसके बाहर से अगर आ गया तो ये डेफिनेटली है, ठीक है, ये एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आए। तो आज मैं फाइलम कॉर्डेटा का जो सीरीज हम लोग की चल रही है, फाइलम कॉर्डेटा का क्लास ऑस्टिक्थीज लेके आया हूं, क्लास ऑस्टिक्थीज। ऑस्टिक्थीज समझ में आई बात, क्लास ऑस्टिक्थीज की अगर हम बात करते हैं तो फाइलम कॉर्डेटा का एक क्लास है जिसका नाम है ऑस्टिक्थीज। इसकी जो फिश होती है वो बोनी फिशेस होती हैं। इनकी जो जनरल करैक्टर है, फर्स्ट जनरल करैक्टर ऑफ क्लास ऑस्टिक्थीज, इनकी फिश जो होती है फिशेस बोनी फिशेस होती हैं। जबकि क्लास कॉन्ड्रिक्थीज जो था, जो पहला क्लास था इसका, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज दूसरा क्लास है, मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं डाल दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। अब मैं पढ़ा रहा हूं क्लास ऑस्टिक्थीज। तो क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के जितने भी एनिमल थे वो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं, क्लास ऑस्टिक्थीज के जितने भी एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, बोनी फिशेस होते हैं। समझ में आई बात। तो इनका सबसे पहला जनरल करेक्टर है कि ये बोनी फिशेस होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, कौन, क्लास ऑस्टिक्थीज के एनिमल। और कुछ एज वेल एज का मतलब होता है और कुछ जो होते हैं मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, मतलब साल्टी वाटर में पाए जाते हैं या सी वाटर में पाए जाते हैं। समझ में आई बात। ये इंडो स्केलेटन, इनका जो इंडो स्केलेटन होता है, इनका जो इंडो स्केलेटन मतलब इनकी जो अंदर की बॉडी होती है, स्केलेटन ढांचा होता है, वो हड्डियों का बना होता है जिसे बोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बोन कहते हैं। रिस्पिरेशन के लिए 4 pair gills पाया जाता है, रिस्पिरेशन के लिए, रिस्पिरेशन जिसे हम लोग लंग्स में सांस लेते हैं ना, लंग्स से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इंटर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इसी तरीके से इनमें रिस्पिरेशन के लिए 4 pair gills पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, 4 pairs gills पाए जाते हैं। किसके लिए, रिस्पिरेशन के लिए। अपर कोलम प्रेजेंट होता है, क्या होता है, अपर कोलम प्रेजेंट होता है किसमें, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, प्लस का मतलब प्रेजेंट होना। दूसरी चीज है कि अपर कोलम प्रेजेंट होता है और कवर्ड होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, कवर्ड होते हैं किसके, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के एनिमल। माउथ नॉर्मली होते हैं और टर्मिनल होते हैं, माउथ जो होते हैं इसके नॉर्मली होते हैं, माउथ नॉर्मली कोई एडवांस स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, और टर्मिनल होते हैं किनारे की तरफ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं टर्मिनल। देखिए साइड हमारी बात करते हैं अगर, तो ये हमारा डॉर्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड हो गया, और ये इधर उधर लेटरल साइड हो गया, तो इंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड के हिसाब से इसको हम लोग टर्मिनल और पोस्टीरियर कह सकते हैं इसको, ठीक है, समझ में आई बात। रिस्पिरेटरी ऑर्गन, इनका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन किसका, क्लास ऑस्टिक्थीज का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो एयर ब्लैडर होता है। क्या होता है बेटा, एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर, समझ में आई बात। इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो हेल्पिंग रिस्पिरेटरी ऑर्गन, हेल्पिंग यहां एक ऐड कर लीजिएगा, हेल्पिंग रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है एयर ब्लैडर होता है, किसमें, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में जो हेल्पिंग रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, और एयर ब्लैडर में हाइड्रोस्टैटिक करैक्टर होता है। क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक करैक्टर पाया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक करैक्टर क्या करते हैं, बायोंसी एंड बैलेंस करते हैं, शो करते हैं, क्या करते हैं, ये बैलेंस करते हैं किसको, बॉडी को, एंड बायोंसी शो करते हैं। तो मैं बात कर रहा था किसका, हेल्पिंग रिस्पिरेटरी ऑर्गन का। इसमें हेल्पिंग रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो एयर ब्लैडर पाया जाता है, एयर ब्लैडर में हाइड्रोस्टैटिक करैक्टर होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक करैक्टर मींस क्या हुआ, ये बैलेंस ही शो करते हैं, मतलब बैलेंस शो करते हैं, या ये
फिश को बैलेंस में लाते हैं और बायोंसी शो करते हैं। बायोंसी का मतलब क्या हुआ, इनको डूबने से इनको तैरने में हेल्प करते हैं। कौन? एयर ब्लडर। इससे पहले मैंने क्या कहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट फिश होते हैं उनमें एयर ब्लडर नहीं पाया जाता है, एयर ब्लडर नहीं पाया था, इसलिए हमेशा तैरते रहते हैं, हमेशा तैरते रहते हैं, ठीक है। जबकि ये बायोंसी शो करते हैं, बायोंसी का मतलब ये तैरते नहीं, ये डूब, ये मतलब तैरना रोक भी देते हैं, ये तैरते नहीं, हमेशा तैरते नहीं रहते हैं, ये रुक भी जाते हैं। फिर उसके बाद क्यों, क्योंकि इनमें हाइड्रोस्टैटिक एयर ब्लडर, हाइड्रोस्टैटिक कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था, ये है क्लास ऑस्टिक्थीज का जनरल करैक्टर। आगे बढ़ते हैं, इसमें स्क्रॉल वाल्व अब्सेंट होता है। हमने कहा था इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है, इससे पहले इसमें स्क्रॉल वाल्व क्या होता है, अब्सेंट होता है, किसमें, क्लास ऑस्टिक्थीज में, समझ में आया। क्लोएका भी अब्सेंट होता है, इनमें क्लोएका अब्सेंट होते हैं, जबकि ऑस्टिक्थीज में, कॉन्ड्रिक्थीज में क्लोएका प्रेजेंट था। एनस प्रेजेंट होते हैं, अगर हम एनस की बात करते हैं उसमें क्लोएकल अपर्चर में होता है, इसमें एनस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एनस प्रेजेंट होते हैं, समझ में आई बात। जो एम्पुला ऑफ लारेंजिनी उसमें पाया गया था, इसमें एम्पुला ऑफ लारेंजिनी अब्सेंट होता है, एम्पुला ऑफ लारेंजिनी अब्सेंट होता है, एम्पुला ऑफ लारेंजिनी क्या होता है, अब्सेंट होता है, मैंने बताया था रियो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अब उसका लीवर जो कॉन्ड्रिक्थीज था उसका लीवर बायलोब था, इसका लीवर कैसा होता है, ट्राइलोब होता है, लीवर ट्राइलोब्ड होता है, ट्राइलोब मतलब ये लीवर है, इसके तीन भाग होते हैं, इसीलिए इसके लीवर कैसे होते हैं, ट्राइलोब होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, कैसा होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, किसके, क्लास ऑस्टिक्थीज के। और इसमें क्लैस्पर अब्सेंट होता है, क्या बेटा, क्लैस्पर्स अब्सेंट होता है। सारी बात समझ में आएगी, पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, तो सारी बातें समझ में आएगी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, किसका, क्लास ऑस्टिक्थीज का, और इसमें जो क्लैस्पर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली ओवीपैरस होते हैं, कैसे होते हैं, ओवीपैरस। इससे पहले मैंने क्या कहा था कि ये मोस्टली वीवीपैरस होते हैं, कौन, कॉन्ड्रिक्थीज, जबकि ये ऑस्टिक्थीज है, क्लास ऑस्टिक्थीज में मोस्टली कैसे होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, कैसे होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, ठीक है। तो ये था जनरल करैक्टर ऑफ द क्लास ऑस्टिक्थीज, क्लास ऑस्टिक्थीज का जनरल करैक्टर। फिर रिवीजन करता हूं, क्लास ऑस्टिक्थीज जो होते हैं वो बोनी फिशेस पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, रेस्पिरेशन में फोर पेयर गिल्स पाए जाते हैं, अपर कुलम प्रेजेंट होता है जो कि चारों तरफ से कवर्ड होता है, माउथ नॉर्मली टर्मिनल होता है, हेल्पिंग रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है एयर ब्लडर, जो हेल्प करता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन में एयर ब्लडर होता है, जो कि इसमें हाइड्रोस्टेटिक करेक्टर पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना, चलने में जब हम लोग चलते हैं हमारी बॉडी को बैलेंस कौन करता है, हमारा हेड करता है, ठीक है ना, हमारे कान करते हैं, ठीक है। उसी तरीके इसमें हाइड्रोस्टेटिक करेक्टर पाया जाता है जो कि बॉडी को बैलेंस करता है और बायोंसिस वो करता है, इसको डूबने से मदद कर, डूबे ना इसलिए, इसके पहले, जबकि इससे पहले कॉन्ड्रिक्थीज में ऐसा नहीं था। इसमें स्क्रॉल वाल अब्सेंट होता है, जबकि कॉन्ड्रिक्थीज में स्क्रॉल वाल प्रेजेंट था, क्लोएकल अब्सेंट होता है, एनस प्रेजेंट होता है, एम्पुला ऑफ लारेंजिनी अब्सेंट होते हैं, लीवर जो होते हैं इनके ट्राइलोब्ड लीवर, इनमें लीवर जो होता है वो ट्राइलोब्ड लीवर पाया जाता है, समझ में आई बात। फर्टिलाइजेशन उसमें इंटरनल था, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्लैस्पर अब्सेंट होते हैं, ये ओवी पैरस होते हैं, ओवी पैरस मतलब ये अंडे देते हैं, एग देते हैं, ठीक है। तो ये है जनरल करैक्टर, हाँ, तो मैं बात कर रहा था जनरल करैक्टर ऑफ क्लास ऑस्टिक्थीज। उसमें एक करैक्टर बचा हुआ था, जो करैक्टर जेनाइटल डक्ट ओपन होता है आउटसाइड, जेनाइटल डक्ट ओपन आउटसाइड, जो जेनाइटल डक्ट होते हैं वो आउटसाइड ओपन होते हैं बॉडी के, ठीक है, थ्रो बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में ओपन होते हैं, और इसमें क्या होता है, सेपरेट अपर्चर पाया जाता है, सेपरेट अपर्चर। जो जेनाइटल डक्ट होता है, कुछ बहुत बड़ी बात मैं नहीं बता दी,
जो जिलेटेड डक्ट होता है वो बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है और सेपरेट क्या पाता है, अपर्चर पाता है। अब मैं कुछ एग्जांपल अपनी ट्रिक से बताऊंगा, जो कि मैं क्लास कॉन्ड्रिक थीज बताया था उसी तरीके से क्लास ऑस्टिक थीज के कुछ एग्जांपल है, जिसको हम कह सकते हैं हेल, एच ई एल, हेल सी सी, हेल सी सी, हेल सी सी, BPL below poverty level, HLCC BPL, LGWE, LGW, क्या बोला मैंने, HEL HEL CC BPL LGWE LGWE, ये हो गया एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? क्लास ऑस्टिक थीज का एग्जाम्पल। पहला क्या है, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस किसका एग्जांपल चल रहा है, क्लास ऑस्टिक थीज का, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सोकोइटस, एक्सोकोइटस, ठीक है ना, ई का मतलब, एल का मतलब लेबियो रोहिता, जिसको रोहू कहते हैं, लेबियो। पहले सी का मतलब क्लेरियस, क्लेरियस, ठीक है। दूसरे सी का मतलब कैटला, कैटला, ये एग्जांपल है, फिश के नाम है, ठीक है। तीसरे का बीटा, बी ई टी टी ए, स्पेलिंग गलत होगा तो देख लीजिएगा। चौथे का है टेरोफाइल, टेरो पी से है, टेरोफाइल, ठीक है। और पहले एल का है लैटिमेरिया, क्या है लैटिमेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर कर लीजिएगा, क्या है लैटिमेरिया। फिर गंबूसिया, गंबूसिया आपको पता है, गंबूसिया इसी में पाया है क्लास ऑस्टिक थीज का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब होता है वाल्गोनिया, क्या होता है वाल्गोनिया, वाल्गोनिया। और ई का मतलब जो होता है इकाइनस, इकिनस, 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 ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा अपनी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, आप लोग अपने तरीके से याद करना चाहते हो तो याद कर लो, आप जो ऐसे ही याद करना चाहता है याद कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, हेल सी सी बीपीएल एल जी डब्ल्यू ई, क्या बोला फिर से बोलिए, हेल सी सी बीपीएल, बीपीएल एल जी डब्ल्यू ई, ठीक है ना। तो ये था एग्जांपल क्लास ऑस्टिक थीज के। इसमें भी लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है, किसमें, क्लास ऑस्टिक थीज में लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। मैं आपको बता चुका हूं कि लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है ना बेटा, जो लेटरल लाइन सिस्टम होते हैं वो रियो रिसेप्टर होते हैं जो वाटर के करंट को फ्लो करते हैं। समझ में आया, लेटरल लाइन सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट, इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, इससे पहले जो कॉन्ड्रिक थीज था उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया था, इसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या है, अमोनिया है, वो यूरियोटेलिक था, ये अमोनोटेलिक है, तो क्या है, अमोनिया। समझ में आई बात बच्चों, ये था जनरल करेक्टर ऑफ द क्लास कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले, मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आएगी बहुत अच्छी से वीडियो। ओके, थैंक यू। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट ऐसे ही क्लास वन बाय वन पढ़ाता रहूंगा, ठीक है, थैंक यू।